मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 8 हिंदी में हम दूसरा पार्ट सीखा था, वो थे कच्छ की सैर। उसका आज दूसरा भाग लेते हैं। पहले हमने कच्छ की शुरुआत की थी। कच्छ से निकले थे, शाम ख्याल स्कूल का प्रवेश द्वार था। वहाँ से आगे जाकर गांधीधाम की बात की, बचाव की बात की और यहाँ तक आए थे जहाँ जैनों का धर्म स्थान है, वो जिनाला। गांधीधाम भी देखा। आगे देखते मुंद्रा की बात करते हैं। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे एक बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए मांडवी पहुंचे। मांडवी के बारे में आपने सुना होगा कि मांडवी एक अति सुंदर बंदरगाह है और वह बड़ा प्राचीन नगर भी है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना हुआ है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था भी है और 72 जिनालय। जैनों के जो दबुजा के स्थान है, धर्म स्थल है, वो 72 जिनालय, यानी कि वह जैनों का पवित्र स्थल माना जाता है मांडू। तो यहाँ 72 जिनालय है। पास ही एक बिंदड़ा गांव है, वह अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब सब राष्ट्रों से संबंध, सभी राष्ट्रों के लोग इस अस्पताल में सेवा लेने के लिए, इलाज करवाने के लिए आते हैं। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो ये महत्वपूर्ण गांव है। गांव के नाम है जो डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। सबसे ज्यादा जैन लोग रहते हैं। नलिया शहर तहसील का एक केंद्र है। यहाँ वायुसेना का भी मुख्य अड्डा है। वायुसेना का यहाँ मुख्य अड्डा माना जाता है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद वहाँ नारायण सरोवर आता है। नारायण सरोवर जो अति प्राचीन पौराणिक और धार्मिक स्थान माना जाता है। इस स्थानों का रामायण काल का महत्व माना जाता है कि वहाँ एक कोटेश्वर नामक दर्शनीय स्थल है। कोटेश्वर का मंदिर है और वहाँ माना जाता है कि जहाँ इस कोटेश्वर से एक बार रावण गुजरा था। रावण के बारे में आप जानते हो ना, जो रावण रामायण में आता था वही। तो यह रावण वहां से गुजरा। यह पूरे भारत का एक प्राचीन स्थल माना जाता है। आप जहां जहां भी जाते हो, जहां देखते हो, और ये धार्मिक स्थलों पर कुछ न कुछ प्राचीन महत्व छिपा होता है। तो आपने देखा ना कि यहाँ इनका धार्मिक महत्व क्या था कि कोटेश्वर से एक बार रावण गुजरा। भारत का यह प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ के दर्शन बड़ा आकर्षण होते हैं। उनका जब सूर्य उगता है और सूर्य छिप जाता है, तब का दृश्य यानी कि वो नजारा देखने के लिए सब लोग चाहते हैं और वो देखने लायक है। वहां से नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है और यह लखपत एक प्राचीन स्थल है जहाँ गुरु नानक की चरण रथ से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। गुरु नानक किनके गुरु हैं? तो सिखों के, और गुरुद्वारा ये सिखों का धर्म स्थल। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जीर्णावस्था यानी कि टूटी फूटी हालत वाला, टूटी फूटी हालत में था फिर भी वो आधुनिक बनवाया गया है। यहाँ एक किला भी है, उसके बगल में पांडवों खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ एक किला है, उनके पास में एक पांडवों वहाँ खनिज संपत्ति मिलती है और खनिज संपत्ति के लिए दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। साथ ही विद्युत निर्माण का भी केंद्र है। तो पांडवों में विद्युत और खनिज ये दोनों की उत्पत्ति होती है। लखपत से मध्य कच्छ की और बढ़ने पर हाजीपुर मुसलमानों का एक दरगाह, यानी कि श्रद्धा के लिए मुसलमान वहाँ जाते हैं। यहाँ पीर की मजार भी है। वहाँ पीर की मजार हाजीपुर, और वहाँ
पीर की मजारे रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है और वहां से हम देखते हैं तो रेगिस्तान नजर आता है। रास्ते में माता का मढ़ नामक एक दर्शनीय धार्मिक स्थल है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए वहाँ श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये माता का मढ़ है ना, वह नवरात्रि के दिनों में लोग पैदल चल के, हमारे यहाँ जब अम्बा जी जाते हैं सब पैदल चल के और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो श्रद्धालु यहाँ से चलकर जहाँ भी रहते वहाँ से चलकर वो नवरात्रि में माता के मठ तक पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इससे आगे देखते तो नखत्रा जो प्राकृतिक नजारों का केंद्र माना जाता है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, मांडाय और मनोहारी प्राचीन स्थल भी देखने को मिलते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र जो है वो भुज है। कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है, उसके वैभव का परिचय होता है। अब हम भुज के बारे में सुनेंगे। यहाँ आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, अमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ और लोक संग्रहालय जिसे म्यूजियम कहते हैं, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके आनंद लेते हुए आगे निकले। तो जैसे ही भुज में प्रवेश किया तब हमने आईना महल, अलग अलग तरह के आईने खड़े रखकर हम वहाँ खड़े रहते हैं, तो कभी हम पतले, मोटे, छोटे और बड़े ऐसे दिखते हैं। तो ये आईना महल और दूसरा है भुजिया पहाड़, उनके भुजिया पहाड़ देखा। इसके आगे संग्रहालय, लोक संग्रहालय यानी कि प्राचीन संस्कृति का वो म्यूजियम बनाया हुआ है। प्राचीन संस्कृति में जब सभी चीजें रखी जाती है वो हमें दिखने मिलते हैं। और विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद लेते हुए वहां से आगे निकले। सन 1902 में जब भूचाल खंडित, भूचाल से खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके और सुंदर सहन बना लिया है। 2001 में भूकंप आया था, आपने सुना होगा 26 जनवरी थी और 2001 तब भूकंप बड़ा था, जोर का झटका लगा था और उनका मुख्य बिंदु यहाँ पे था कच्छ में, तो सारा कच्छ शहर नाश हो गया था। और आज फिर से उसने खंडित किया हुआ बाग को फिर से आधुनिकता मिली है और फिर खड़ा हो गया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा और काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा वहाँ रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। रणोत्सव का एक उत्सव मनाया जाता है, वो जनवरी मास में मनाया जाता है और सब लोग, दुनिया भर के लोग वहाँ दूर दूर से यह देखने के लिए आते हैं। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। वहाँ एक सफेद रण भी है, सफेद रेगिस्तान को देखना कुछ अलग ही नजारा होता है। भुज से अंजार दिया जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए एक सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। सृजन संस्था यहाँ की तब की प्रजा अपने हस्तों से उठे हुए चीजों बेचते हैं जिसे कहते हैं हस्त प्रत। वो है जैसे कि पर्स होता है, बड़ा सा थैला होता है, जो हमें चाहिए वो स्त्रियों के लिए पहनने के लिए कुछ चीज़ें होती है, ये अपने हाथों से गूंथी हुई चीज़ें वहाँ रखी होती है और वो भी हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं तो जैसल तोरल की समाधि और वो जैसल तोरल की स्मृति का एक मंदिर भी है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं और सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। शाम 11 से शुरू हुई थी और सूरजबारी से यहाँ पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाता है, हम कभी उसे भूल ही नहीं जा सकते। ऐसी अविस्मरणीय यादें इसके साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कच्छ रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। कच्छ गुजरात का एक गौरव है और दुनिया भर के लोग किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का यह केंद्र है। तो इस पाठ से हमें पता चलता है कि सचमुच कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ऐसे अविस्मरणीय कच्छ के अनेक स्थल है जो हमें कभी भी जाके आते हैं तो फिर भी उसका नाम देते ही हमें
याद आ जाता है। इसके साथ पीडीएफ भेजती हूँ। और कच्छ ऐतिहासिक स्थल है ऐसे आप उसके बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है।